हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनर। मैं हूँ राशि शेख। तो आज मैं जो वेब सीरीज के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ, ये वेब सीरीज एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज है। यू तो ये वेब सीरीज 2018 में रिलीज हुई थी, लेकिन अभी आज ही ये वेब सीरीज रिलीज हुई है हिंदी में, वो भी नेटफ्लिक्स पे। इस वेब सीरीज का नाम है यू। और मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा कि बहुत सारी वेब सीरीज हमारे इंडिया में रिलीज होती है, और जितने भी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म में, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, अमेजोन हो, जितने भी वेब सीरीज रिलीज होती है उसमें तकरीबन 10 एपिसोड 12 एपिसोड होते हैं, और हर एपिसोड लगभग 50 मिनट की 45 मिनट की होती है। और कोई भी वेब सीरीज आप कम्प्लीटली देख नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एपिसोड आपको बोर करते ही है। लेकिन एक पहली वेब सीरीज है जो मैंने इस साल देखा जिसके आपको 10 के 10 एपिसोड देखने में मजा आता है, और ये एपिसोड की लेंथ भी आप यकीन नहीं करोगे, 50 मिनट और 45 मिनट के बीच में ये, लेकिन कहीं पे भी आप ये वेब सीरीज को लेकर बोर नहीं होते। ये वेब सीरीज जो पहले एपिसोड से जो अपनी पकड़ बनाए रखती है वो 10वें एपिसोड तक बनाए रखती है। अगर मैं आपको शॉर्ट में थोड़ी सी कहानी बताऊं, क्योंकि मैं आपको पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, अगर मैंने आपको पूरी कहानी बता दिया तो जो देखने का जो मजा है ना वो मजा खराब हो जाएगा। आपको शॉर्ट में कहानी बता, तो कहानी शुरू होती है एक बुक स्टोर से जिसका मैनेजर का रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है पेन ब्रैडले। उनका इस वेब सीरीज में नाम है जो। तो उनकी बुक स्टोर में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है बैग। बैग का यहाँ पे रोल प्ले किया एलिजाबेथ लैल ने। तो जब वो पहली नजर में बैग को देखता है तो उसको उससे प्यार हो जाता है, और बैग को भी उससे प्यार तो नहीं कह सकते लेकिन एक अफेक्शन हो जाता है, यानी कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो एक दूसरे से नंबर भी शेयर कर देते हैं। लेकिन जो की ये प्रॉब्लम है कि जो ने इससे पहले जिंदगी में बहुत सारे धोखे खाए, तो इस वजह से वो उससे बात करने से पहले वो सोचता है कि सोशल मीडिया के थ्रू कुछ क्यों ना मैं उसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लूं, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो। तो इस तरीके से वो एक हिसाब से बैग के ऊपर पूरी नजर रखता है कि बैग पूरे दिन में क्या करती है, यानी कि वो कहाँ काम करती है, दोस्त कौन कौन है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। तो बेसिकली पूरा का पूरा वो बैग के बारे में एक सोशल मीडिया के थ्रू जान लेता है। उसके बाद वो, अब उसके आगे का मैं नहीं बता कि उसके आगे क्या होता है, क्या अलग अलग हमें हर एपिसोड में देखने को मिलता है, ये सब जानने के लिए आप ये वेब सीरीज जरूर देखना। अब बात करते हैं इस वेब सीरीज में मुझे अच्छा क्या लगा। तो इस वेब सीरीज में जो अच्छी बात है वो है इसकी एंगेजिंग स्टोरी। इतनी कमाल की स्टोरी है, आपको सीधे से बता दूं कि एक ऐसे लवर की कहानी है, एक से पैशनेट लवर की कहानी है जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव है, बहुत ज्यादा सीरियस है, और वो इतना ज्यादा प्यार करता है अपनी गर्लफ्रेंड से कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। किसी भी हद तक मतलब किसी भी हद तक, ये जो वो क्या है वो आप ये वेब सीरीज में जरूर देखना। तो ये सब चीजें मुझे बहुत अच्छी, वेब सीरीज कहीं पे भी आपको बोर और अजीब नहीं लगती है, एकदम टेरिफिक लगती है। और जो सबसे अच्छी बात हुआ है कि आप जब एक एपिसोड देखोगे तो आपको दूसरा एपिसोड देखने का मन होगा, दूसरा देखोगे तो तीसरा, और फिर जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ेंगे आपका दिल होगा यार एंड में एक्चुअली होगा क्या। तो ये सब जो चीजें हैं वो इस वेब सीरीज को बहुत ज्यादा खास बनाती है। अब मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में जितने भी सपोर्टिंग एक्टर है सबका परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक ही कैरेक्टर जो उठ कर आता है वो है जो का कैरेक्टर, जिसका यहाँ पे प्ले किया है पेन ब्रैडले ने। उसका कैरेक्टर इतनी अच्छी तरीके से लिखा गया है, आपको उसके कैरेक्टर के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा इस वेब सीरीज में, कि वो इस कैरेक्टर वो ऐसा इतना पैशनेट लवर कैसे बना, उसके साथ पास्ट में क्या हुआ है, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। इस वजह से जियो का कैरेक्टर है काफी अच्छा लगता है, और पेन ब्रैडले ने उस कैरेक्टर को इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि आपको कैरेक्टर बिलीवेबल लगता है, आपको कैरेक्टर रियल लगता है, कहीं से भी वो कैरेक्टर फेक नहीं लगता है। उसके अलावा एलिजाबेथ हो या जितने भी से भी सपोर्टिंग कैरेक्टर, सभी लोगों ने अपना जो हिस्से का काम है बहुत अच्छी तरीके से निभाया, और फर्स्ट से लेकर 10 एपिसोड कब खत्म हो जाते हैं बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और मैं आप लोगों से इतना ही बोलूंगा, जहां पर ये एपिसोड खत्म हो वहां से इतना तो कंफर्म है, और स्टूडियो वालों ने अनाउंस भी कर चुका है कि इसका सीजन 2 जरूर आएगा, और मैं बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहा हूँ कि इसका सीजन 2 कब आएगा। लेकिन अब मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा जो लोग इस वेब सीरीज को ऑलरेडी देख चुके, क्या जो ने जो भी किया बैक के लिए वो सही किया या गलत किया, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जो के कैरेक्टर से क्या आप लोग रिलेट करते हो खुद को, जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। और हाँ, जिन लोगों ने ये वेब सीरीज नहीं देखी है मैं तो उनको यही बोलूंगा कि पहली फुर्सत में जाके ये वेब सीरीज देखो। अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है तो ये वेब सीरीज जरूर देखना। ये वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में भी मिल जाएगी। तो यार इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, टिल देन।